हाय एवरीवन, दिस इज़ मानसी खन्ना, को फाउंडर MYL। मेरी आज की वीडियो उन पेरेंट्स के लिए बेनिफिशियल होने वाली है जो कि इस डिलेमा में हैं कि बच्चे को फोर्थ फिफ्थ ऑनवर्ड स्कूल में थर्ड लैंग्वेज ऑप्शन में क्या लेकर दिया जाए, इंडियन लैंग्वेज या कोई फॉरेन लैंग्वेज, और क्लास एट्थ के बाद क्लास नाइन्थ एंड टेंथ में क्या फॉरेन लैंग्वेज लेना बच्चे के लिए एक अच्छा डिसीजन होगा, एंड थर्डली क्या फॉरेन लैंग्वेज की ट्यूशन दिलवानी ज़रूरी है हमारे बच्चे को, और अगर हम ट्यूशन दिलवाते हैं तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट हम कैसे उठा सकें अपने बच्चे के लिए। एंड फाइनली वन लास्ट स्टेप टूवर्ड्स द एंड विल बी ऑन हाउ टू कीप बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच एज एन ऑप्शन इन क्लास नाइन्थ एंड टेंथ। दिस विल बी डिस्कस्ड टूवर्ड्स द एंड। सो फर्स्ट पॉइंट, दिसंबर जनवरी ऑनवर्ड्स फॉर्म्स आने शुरू हो जाते हैं स्कूल से कि वॉट इज़ द थर्ड लैंग्वेज ऑप्शन दैट यू वुड लाइक टू चूज़ फॉर योर चाइल्ड। एंड इस ऑप्शन को चूज़ करते टाइम हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी चाहिए, एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि क्या जो हम लैंग्वेज अपने बच्चे को लेकर देने की सोच रहे हैं क्या वो उसको बेनिफिट देगी फ्यूचर में। हम सिर्फ इसलिए ना कोई लैंग्वेज ले दें कि ये मैंने पढ़ी थी मेरे स्कूल टाइम में इसलिए मैं उसको हेल्प कर दूंगा या कर दूंगी, या ये अपने आप कर लेगा ये तो इंडियन लैंग्वेज है हिंदी से रिलेटेड होगी। सी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द लैंग्वेजेस, आई फील एवरी लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट, बट वॉट हमारा क्राइटेरिया भी क्या है कि मेरे बच्चे के फ्यूचर में उसको क्या हेल्पफुल रहेगा, या उसको उसके जॉब के लिए, या अगर वो बाहर सेटल होना चाहता है। तो वन थिंग वी नीड टू टेक केयर इज़ अगर हमारे थोड़े से भी अगर हम सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा बाहर चला जाएगा या वो बाहर जॉब करेगा या बाहर स्टडी करने जाएगा, तो हमें फॉरेन लैंग्वेज का ऑप्शन हमेशा ओपन रखना चाहिए। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंच बिकॉज आई एम अ इंग्लिश एंड फ्रेंच लैंग्वेज ट्रेनर, बट दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू ऑल द लैंग्वेजेस, दिस रूल इज़ द सेम फॉर एवरी लैंग्वेज। तो अगर हम फॉरेन लैंग्वेज का ऑप्शन अपने बच्चे को देते हैं तो इससे काफ़ी वेन्यूज़ खुल जाते हैं, मतलब फ्यूचर में उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में इसको एज एन एडवांटेज होने का ऑप्शन बढ़ जाता है। बट प्रोवाइडेड व्हेन, जब बच्चा इस लैंग्वेज को एज ए लैंग्वेज सीखेगा एंड नॉट एज अ सब्जेक्ट। ना प्लीज़ जस्ट इमेजिन कि आप 4-5 साल कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई 4-5 साल हिंदी, आपने देखा कि हिंदी सीख रहा है और आप उससे बात करने जाएं और वो बोल भी ना पाए, एक डायलॉग आपसे 2-3 मिनट भी बात ना कर पाए, तो आपको तभी रियलाइज़ होगा कि ये 5 साल से हिंदी सीख रहा है और हिंदी में बात तो कर ही नहीं सकता, सीख क्या रहा है। सेम प्रिंसिपल अप्लाइज हियर, अगर हम अपने बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज लेकर देते हैं तो वी नीड टू इंश्योर कि बच्चा उसको एज अ लैंग्वेज सीखे एंड नॉट जस्ट टू पास द एग्ज़ाम एट स्कूल, कि बस स्कूल का एग्ज़ाम हमने याद करके पेपर में उतार दिया। दैट इज़ नॉट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड दैट इज़ व्हाट आई एम टू अचीव हियर विद माय किड्स। ऑल माय स्टूडेंट्स आर सर्टिफाइड बाय द फ्रेंच एम्बेसी व्हेन दे रीच क्लास लाइक 8th, 9th, 10th, दे आर सर्टिफाइड, देयर लेवल ऑफ द लैंग्वेज दैट इज़ सर्टिफाइड। There are different levels for the languages. All the European language, they follow the same structure. तो ये सिर्फ French की बात नहीं है, सारी European languages का same structure है। A1, A2, B1, B2, C1, C2. These are the 6 levels of the language. And आपकी proficiency के हिसाब से वो आपको certificate award करते हैं। तो मेरे बच्चे जो अच्छे से French कर लेते हैं class 10 तक, वो B1 level तक, which is like equivalent to graduation इन फ्रेंच, वो क्लास 10th तक B1 लेवल तक अचीव कर लेते हैं। तो अगर आप सोचिए कि जब बच्चा क्लास 11th एंड 12th पास करता है तो उसके पास सिर्फ अपने 10th और 12th की डिग्री के अलावा, मतलब जो उसके काउंटर पार्ट सबके पास है, बट लेटर ऑन व्हेन ही पासेस ऑन क्लास 12th, उसके पास 12th की डिग्री के अलावा एक फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशंसी की डिग्री है या कोई भी फॉरन लैंग्वेज की प्रोफिशंसी की डिग्री है। तो ये हमें पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं, अगर हमारे कोई ड्रीम है कि हमारा बच्चा बाहर जाए, बाहर पढ़े या बाहर सेटल हो, तो हमें फॉरेन लैंग्वेज का ऑप्शन हमेशा ओपन रखना चाहिए। सेकेंडली, चूजिंग द थर्ड लैंग्वेज ऑप्शन इन क्लास 9th एंड 10th। नाउ फ्रेंच पर्टिकुलरली इज़ वेरी वेरी स्कोरिंग एंड
नाइन्थ एंड टेंथ में भी हमारा लैंग्वेज का डिसीजन इसी बात पे बेस्ड होना चाहिए कि अगर 2 साल और हम उसको कोई लैंग्वेज कंटिन्यू कर रहे हैं तो क्या वो उसकी प्रोफिशिएंसी इन्हांस कर रहा है वो लैंग्वेज। तो इस क्राइटेरिया के साथ जब हम चूज़ करेंगे तो वी विल बी एबल टू मेक अ बेटर एंड वाइजर डिसीजन। मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आ रही थी आप सब लोगों की जो कि मेरे से पूछ रहे थे कि मैम क्या करना चाहिए क्लास फोर्थ एंड फाइव फोर्थ एंड फिफ्थ ऑनवर्ड्स एंड क्लास नाइन्थ ऑनवर्ड्स, क्योंकि जो क्लास एट में मेरा पूरा बैच है आप सब पेरेंट्स की मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि मैम क्या नाइन्थ एंड टेंथ में फ्रेंच लेने का बेनिफिट है। ऑफकोर्स है, नाइन्थ एंड टेंथ में फ्रेंच इज़ वेरी स्कोरिंग। नाउ फाइनली वी अराइव एट द एस्केप रूट वेर इन वी कीप इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ द सब्जेक्ट्स इन क्लास नाइन्थ एंड टेंथ। नाउ समटाइम्स इट हैपन्स दैट द चाइल्ड वॉन्ट्स टू टेक अप हिंदी बट द पेरेंट्स फील कि फ्रेंच ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। समटाइम्स इट हैपन्स कि द चाइल्ड वॉन्ट्स टू टेक अप फ्रेंच बट द पेरेंट्स फील कि कुछ एग्जाम्स के लिए हिंदी कंपल्सरी होती है। तो इस केस में वॉट वी कैन डू इज यू कैन टेक वन एज द मेन सब्जेक्ट एंड द अदर एज एन ऑप्शन एज द एडिशनल सब्जेक्ट। इन फॉर एन एडिशनल सब्जेक्ट वन जस्ट नीड्स टू पास, उसके मार्क्स आपकी परसेंटेज में बेस्ट फोर में काउंट नहीं होते हैं बट उसमें आपको सिर्फ पास होना ज़रूरी होता है। सो इफ़ यू फील कि हिंदी तो इतनी है ही कि बच्चा पास तो हो ही जाएगा, कीप हिंदी एज एडिशनल। बट इफ़ यू फील कि नहीं हिंदी बहुत अच्छी है, हिंदी इज़ मोर स्कोरिंग लेकिन फ्रेंच का भी फ़ायदा है, कल को फ्रेंच के लिए अगर उसके पास इंटरनेशनल डिप्लोमा होगा सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द चाइल्ड, इफ़ दैट इज़ द केस देन कीप फ्रेंच एज एडिशनल। उसमें जब भी हम एडिशनल सब्जेक्ट रखते हैं तो उसमें बच्चे को क्लास अटेंड करना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, स्कूल में अटेंडेंस कंपल्सरी नहीं होती उस क्लास की, वो डायरेक्टली एग्जाम्स यूटीज देता है, इवन बोर्ड एग्जाम्स भी वो डायरेक्टली वाला एग्जाम देगा, स्कूल में क्लास में नहीं बैठेगा। लास्ट ईयर भी आई हैड अ स्टूडेंट हु हैड टेकन फ्रेंच एज एन एडिशनल सब्जेक्ट एंड शी ऑल्सो स्कोर 90%। सो माई ट्रैक रिकॉर्ड हैज़ बिन कि क्लास टेंथ में बोर्ड एग्जाम रिजल्ट में ऑलमोस्ट ऑल माई रेगुलर स्टूडेंट्स ऑलवेज सिक्योर अबव 90%। हमारे पास पिछले बार भी 100%er भी थे जिन्होंने 100% स्कोर किया फ्रेंच में। सो फ्रेंच इज़ रियली स्कोरिंग एंड अगर आप एक्चुअली में एम कर रहे हो कि बच्चा बाहर जाके पढ़ सकता है या बाहर सेटल हो सकता है, सारी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में लिबरल आर्ट्स में अगर बच्चा जाता है तो फ्रेंच एडिशनल होती ही है डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ। एंड कनाडा में तो पर्टिकुलरली फ्रेंच इज़ स्पोकन वाइडली, कनाडा पीआर के लिए भी फ्रेंच चाहिए होती है। तो ये सारे क्राइटेरिया को हम ध्यान में रखते हुए और ये जानते हुए कि फ्रेंच या कोई भी लैंग्वेज जो हमारा बच्चा सीखे फॉरेन लैंग्वेज वो एज अ लैंग्वेज सीखे, उसमें वो कम्युनिकेट कर सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, तो अगर हम इस क्राइटेरिया से लैंग्वेज चूज़ करते हैं और लैंग्वेज की क्लासेस देते हैं हियर, जो यहाँ पे हम जो क्लासेस देते हैं इसमें सिर्फ स्कूल सिलेबस कवर नहीं होता, स्कूल सिलेबस कवर्ड होता है, वो प्राइमरी पार्ट है बट वो हमारा एंड नहीं है। ऑल द चिल्ड्रन आर मोटिवेटेड टू गो एंड सिट फॉर द डेल्फ एग्जाम जो कि फ्रेंच एम्बेसी कंडक्ट करती है। प्लीज़ नोट, फ्रेंच सर्टिफिकेशन कोई भी प्राइवेट पर्सन इशू नहीं कर सकता है, ये फ्रांस फ्रेंच एम्बेसी ही इशू करती है। डेल्फ सर्टिफिकेशन यू कैन सर्च ऑनलाइन, डेल्फ DELF डेल्फ एंड डेल्फ सर्टिफिकेशंस ये फ्रेंच एम्बेसी इशू करती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड होते हैं और ये पूरे वर्ल्ड में कंडक्ट होते हैं। तो इवन बच्चा अगर यहाँ से भी सीख लेता है फ्रेंच तो वो कहीं पर भी वो टेस्ट दे सकता है एंड इट इज़ वैलिड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो कीपिंग इन माइंड ऑल दीज पॉइंट्स आई होप यू विल बी एबल टू मेक अ बेटर एंड वाइजर डिसीजन इवन व्हेन ऑप्टिंग फ्रेंच और एनी अदर फॉरेन लैंग्वेज एट स्कूल एंड टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस। तो उन क्लासेस का फ़ायदा तभी है, सिर्फ स्कूल में मार्क्स दिलाने का मुझे लगता है कोई बेनिफिट नहीं है बच्चे को, कि अगर बच्चा उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट ही ना कर पाए। क्लासेस का फुल बेनिफिट आपको तभी होगा एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लासेस का जब वो बच्चा उसमें प्रोफिशिएंट हो, और प्रोफिशिएंसी के लिए वी कैन ऑलवेज गो इन फॉर द सर्टिफिकेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन।